नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुंगेर के तारापुर विधानसभा में राजद ने बड़ा उलटफेर किया है। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद समर्थित उम्मीदवार संजय यादव को राजद में शामिल कर लिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार पर अपनी भड़ास निकाली है। इस बार उन्होंने कहा कि तुम ये फालतू की सी डिग्री कहानी किसी और की लिखना बिहारी सब समझते हैं। T20 विश्व कप में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की गवर्निंग बॉडी ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि इस महीने के अंत में शुरू हो रहे ICC T20 विश्व कप में DRS की सुविधा उपलब्ध रहेगी। केंद्र की सियासत की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते ही तय होती है। दोनों राज्यों में अब NDA की सरकार हो तब केंद्रीय सत्ता में काबिज होना NDA के लिए आसान हो जाता है। बिहार में तो NDA की सरकार है ही, अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश फतह करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने मजबूत किले को भाजपा ठहरने नहीं देना चाहती है। ऊर्जा क्षेत्र में फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस पावर स्टोरेज यानी बैटरी की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत के वैज्ञानिकों ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। बिट्स पिलानी के डॉक्टर अंशुमान दलवी के नेतृत्व में रिसर्चर की एक टीम ने एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल विकसित किया है जो ऊंचे तापमान पर भी स्टेबल रह सकता है। बिहार के 6 विभागों में इंजीनियरों की करीब 44% की कमी प्रभात खबर के अनुसार सामने आई है। इसमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। हालांकि कई विभागों द्वारा इसके विकल्प के रूप में संविदा पर इंजीनियरों की बहाली पर काम करवाया जा रहा है। भारत में कोयले की सप्लाई की कमी के चलते ब्लैकआउट का खतरा बना हुआ है। जरूरत के मुताबिक पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल रहा है। कई राज्यों ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बिजली संकट गहरा सकता है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि लालू प्रसाद के असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप में लालू प्रसाद के सभी गुण हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अहंकारी हैं। पत्नी के नौकरी पेशा होने का आधार बनाकर भरण पोषण की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने वाले पुरुषों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्य प्रसाद की पीठ ने स्पष्ट किया है कि जिन घरों में महिलाएं नौकरी करती हैं और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, वहां पति बच्चों के लिए भरण पोषण प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से स्वतः मुक्त नहीं हो जाता है। नेपाल सीमा पर SSB के जवानों ने 2 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार देर शाम 41वें बटालियन के पानी टंकी BOP के जवान ने चीन और नेपाल के एक एक नागरिक को दबोचा है। नेपाली व्यक्ति चीन के नागरिक को सीमा पर करवाने की फिराक में था। खास बात यह है कि दोनों के पास हिमाचल प्रदेश का आधार कार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर में करीब 50 सरपंचों और पंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर चौंका दिया है। शनिवार को अधिकारियों ने बताया कि यहां रामबन जिले के 2 ब्लॉक के करीब 50 सरपंचों और पंचों ने वादों के अनुसार सशक्तिकरण नहीं करने और अनावश्यक हस्तक्षेप और केंद्र शासित प्रदेश में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गया है। मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिशों और CM नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में इस लक्ष्य को पूरा किया गया है। त्योहारी सीजन में दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकियों के आउटपुल मिलने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए पुलिस आयुक्त DCP को आतंकवाद रोधी उपायों पर जोर देने, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी में रात में गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। भारत T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत भी इसी मैच से करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा हाई प्रेशर वाला गेम होता है और जो भी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है वो जीत जाती है। हालांकि भारत के पास इस तरीके का मैच जीतने का अनुभव ज्यादा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि वो भारत के इतिहास लेखन में भूली हुई आवाजों को फिर से हासिल करने के पक्षधर हैं, लेकिन आज के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इसका इस्तेमाल करने के नहीं। एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए थरूर ने कहा कि हम घावों को खरोच रहे हैं, उन्हें ठीक होने दिया जाना चाहिए। आगामी पर्व त्योहार में COVID-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों पर 5% से ज्यादा मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिलों में कोई सामूहिक सभा नहीं होगी। वहीं 5% और उससे कम संक्रमण दर वाले जिलों में पूर्व अनुमति और सीमित लोगों के साथ सभा की अनुमति दी जाएगी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने बताया कि वो चाहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में से कोई एक जीते। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका दिल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ही है। गंभीर की अगुवाई में केकेआर ने साल 2012 और साल 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था। मॉनसून की वापसी के बीच मौसम का हाल एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान जवाद विकसित हो रहा है। इसका असर यूपी समेत कई राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इससे अचानक तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है। विधान परिषद में भाजपा विधायक गोपी चंद पडलकर ने संजय राउत के खिलाफ कटाक्ष किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब जब भाजपा और सक्सेना करीब आने लगते हैं संजय राउत दीवार बन जाते हैं। इसी वजह से राउत अक्सर भाजपा के निशाने पर रहते हैं। अब तक उनकी उन पर हर टिप्पणी करते हुए कहा जाता था कि वो शिवसेना के नहीं शरद पवार के प्रवक्ता है। अब उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रवक्ता कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में नेताओं का पाला बदलने का क्रम जारी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने विभिन्न दलों से आने वाले नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। भाजपा उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में रविवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के आए 17 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज ऐलान किया है कि पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की विजेता टीम को करीब 12.16 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता के हक में इसकी आधी राशि आएगी। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की सभी 16 प्रतिस्पर्धी टीमों को पुरस्कार राशि के रूप में ये दिया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद हाल ही में जो बाइडेन सरकार ने इसराइल में 2 आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं, उनमें से एक को गुआम में तैनात किया गया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसान और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह को किसान नेता बताते हुए उनके योगदान को याद किया। कहा कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा की नीति विभाजनकारी है, जनता अब प्रदेश सरकार को बदलने का मन बना चुकी है, ये संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। यूपी से ही बदलाव आएगा, 2022 का चुनाव छोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बार फिर भाजपा सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि लखीमपुर में आंदोलनकारी किसानों को गाड़ी से कुचले जाने के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। जी दरअसल हाल ही में उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री एम फ्रेडरिक्सन और उनके पति बो टेंगबर्ग ने रविवार की सुबह ताजमहल का दीदार किया और इसे बेहद खूबसूरत स्थान बताया है। फ्रेडरिक्सन ने शनिवार की शाम 8:30 बजे आगरा स्थित वायुसेना अड्डे पर वो पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री वहां से रात्रि विश्राम के लिए होटल चली गई थी। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। देश में रविवार तक कोरोना वैक्सीन की 95 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने भारत में निर्मित सिंगल डोज रूसी कोविड वैक्सीन के निर्यात की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को अभी तक देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख डोज रूस निर्यात करने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निरंकुश या तानाशाह होने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि उन्होंने दशकों तक के लंबे जुड़ाव के दौरान नरेंद्र मोदी जैसा कोई श्रोता नहीं देखा। शाह ने कहा कि मोदी का स्वभाव ऐसा है कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता की भी बात धैर्य से सुनते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार को डोर टू डोर राशन बांटने की योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस बीच दिल्ली की आप सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पप्पू कुमार, मोनू कुमार, शंकर मुखिया, प्रहलाद जोशी, राहुल कुमार, पिंकी कुमारी, प्रभा कुमारी, सुभाष सिंह, मनोहर जोशी, नीतीश मोहरा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में डोर टू डोर राशन योजना पर रोक लगाने का फैसला सही है या नहीं?
अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।